बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप रिसर्च पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है जब आप फाइनल ईयर में होते हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या PhD, तो आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं या फाइंड आउट करने होते हैं अपने रेफरेंसेस वगैरह के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए, और अपने टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही होती है उसको देखने और समझने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊँगा जो जनरली यूज़ की जाती हैं डिफरेंट लाइक सर्च इंजन्स हैं, और उनके ज़रिए आप डिफरेंट ट्रिक्स वगैरह के ज़रिए अपने रिजल्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं या उनको कंडेंस कर सकते हैं, या लाइक आप लाखों की तादाद में पेपर्स के अंदर में से अपना जो आपका एक कीवर्ड है उसके लिहाज से कैसे पेपर्स को फाइंड कर सकते हैं। और वैसे तो पेपर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो उनको आपने रिफाइन कैसे करना है रिजल्ट्स को, तो इसके लिए 5 बेस्ट वेबसाइट्स मैं लेके आया हूँ। और इन वेबसाइट्स में मैं आपको बताऊंगा कि सर्च कैसे करना है, फिर ट्यून कैसे करने हैं अपने रिजल्ट्स, और फिर एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये रिसर्च आर्टिकल या ये जो पेपर हैं वो डाउनलोड कैसे करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डाउनलोड करने का। आप सर्च तो कर सकते हैं, हो सकता है आप जनरल गूगल पे भी लिखें तो आपको कोई पेपर मिल जाए, लेकिन उसको आपने डाउनलोड कैसे करना है वो बड़ा ट्रिकी है। पाकिस्तान में और कई और कंट्रीज़ में जनरली यूनिवर्सिटीज़ में भी एक्सेस नहीं होती, और खुसूसन अगर आप अपने घर से काम करना चाह रहे हैं और घर पे बैठे हैं और आपको एक पेपर ज़रूरत है, डाउनलोड करना है, पढ़ना है या उससे रिलेटेड कुछ लिखना है, तो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद से आसानी से कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउ टू सर्च आर्टिकल्स, हाउ टू रिफाइन रिजल्ट एंड हाउ टू डाउनलोड आर्टिकल्स एट होम, तो मैंने जो कलर दिया है लास्ट वाले को इसका एक पर्पज है, आप समझ चुके होंगे कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये वेबसाइट्स बुक मार्क कर लेनी है अपने ब्राउजर में, क्रोम वगैरह में, या अपने किसी नोटबुक में, या खुद वैसे याद रख सकें तो याद रख लें, तो ये बहुत अच्छा एक ट्रिक होगा आपके लिए। बुक मार्क अगर आप कर लेते हैं तो ईजीली आप कहीं से भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम में। सर्च इंजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो हैं 3 जनरली जो यूज़ होते हैं, और भी काफ़ी सारे आपको सर्च इंजन्स मिल जाएंगे गूगल पे लिखेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको बेहतरीन और लेटेस्ट देंगे और ज़्यादा सारे पेपर डिफरेंट मतलब जर्नल से आपको मिलेंगे वो इन 3 पे मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है गूगल स्कॉलर, ठीक है, ये एक गूगल की तरफ से आर्टिकल्स जितने भी पब्लिश होते हैं उनका एक सर्च इंजन बनाया गया है, और इस पे सारे आर्टिकल्स बहुत जल्दी ही आ जाते हैं, मतलब अपडेट होते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है आप या एज अ स्टार्टिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है, इसको मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कैसे इसमें सर्च करना है और फिर कैसे आपने अपने रिजल्ट्स को मतलब अपने डिजायर्ड पेपर्स तक लेके आना है। और दूसरा है जी साइंस डायरेक्ट, मोस्टली लोगों को इन्होंने नाम सुना होता है साइंस डायरेक्ट का, लेकिन इसका यूज़ इससे डाउनलोड कैसे करना है या सर्च कैसे करना है या इतने ज़्यादा पेपर्स में से आपने अपना पेपर अपने रिलेटेड पेपर कैसे निकालना है, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, सर्च वगैरह की ऑप्शंस यूज़ करनी पड़ती हैं। और एक है जी माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, ये कम लोग यूज़ करते हैं या कम लोग बताते हैं और कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एक सर्च इंजन है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो इन तीनों में से आपको आसान लगे वो आप यूज़ कर लें, और हो सकता है आपको एक सर्च इंजन में कोई पेपर नहीं मिल रहा या वो जो जर्नल है वो इस सर्च इंजन में नहीं कवर हो रहा, तो आप किसी दूसरे को ट्राई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनकी लुक इस तरह से होती है, गूगल स्कॉलर इस तरह से आपके आएगा, सर्च बार एक आएगा, वहाँ पे आपने अपना जो टाइटल वगैरह होगा या कीवर्ड होगा वो लिखना होगा, तो सर्च करेंगे तो कुछ सर्च आएंगी, लेकिन मैं आपको बाद में ये सारे बताऊंगा कि करना कैसे और पेपर्स को कम कैसे करना है। उसके बाद साइंस डायरेक्ट है, ये इस तरह से आप कीवर्ड्स लिखेंगे, अगर आपको ऑथर का नेम पता है तो ठीक है, जर्नल नेम, इशू, वॉल्यूम, ये सारे चेकर जर्नल्स से रिलेटेड है।
और इसमें एडवांस सर्चेज भी हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक्स में भी इसी तरह से आप टाइटल, कीवर्ड, टॉपिक, जर्नल, इस तरह चीज़ें मेंशन करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हाउ टू डाउनलोड रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स, ठीक है, सबसे ट्रिकी जो चीज़ है वो ये है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे एंड पे बताऊंगा, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपने सर्च करना है, और फिर सर्च करने के बाद तीनों सर्च इंजन में मैं आपको कुछ पेपर्स डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे करने हैं, या दो तीन ट्रिक्स बताऊंगा आपको। अगर फॉर एग्जांपल एक से नहीं डाउनलोड हो रहा तो आप कैसे आप दूसरे ट्रिक को यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं जी दोस्तों। तो ये मैंने गूगल ओपन किया और उसमें मैंने लिखा गूगल स्कॉलर, इसका नाम है गूगल स्कॉलर, और जब इसकी वेबसाइट ओपन होगी तो आप देखेंगे ये होगा scholar.google.com, ये पहला सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई भी टॉपिक फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं हीट एक्सचेंजर, ठीक है, हीट एक्सचेंजर हमने लिखा, तो इस तरह से ये आपको कुछ रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट्स आप देख रहे हैं कितने हैं, 1.4 मिलियन रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो 1.4 में ये कुछ बुक्स भी हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हो गए, और ये देखें 1990s का ये आर्टिकल, तो ये बहुत पुराना आर्टिकल है, आपने तो इतना पुराना आर्टिकल जनरली नहीं रीड करना होता जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि लेटेस्ट ज्यादातर आर्टिकल देखे जाते हैं। और इसके अंदर आपको मैं आप तीन चार चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रही ही है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल 2016 से ऑनवर्ड जितने आर्टिकल पब्लिश हुए इस टॉपिक पे वो आप देखना चाहते हैं, तो ये मैंने इस पे क्लिक किया सिंस 2016, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 2016 से आगे, ठीक है। अब आप साइटेशंस वगैरह जो हैं इसको अनचेक कर दें तो ये थोड़ा कम हो जाएंगे रिजल्ट्स, ठीक है। पेटेंट्स भी इस तरीके से, तो ये भी आप थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं। और आप अगर 2019 से, यहाँ पे तीन ऑप्शंस दी गई हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और चौथी ऑप्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन तो ऑटोमेटिक आप कोई भी क्लिक करें तो इस तरह से ये रिफाइन कर देगा, आप देखिए ये 6540 तक पहुंच चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2016 से दी चाहिए पेपर, मुझे 2012 से लेकर आगे जितने भी पेपर हैं वो चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 2 लाख पेपर्स और बुक्स और इस तरीके से ये मटेरियल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल्स आ चुके हैं सारे आपके पास, 2012 के भी है, 14, जितना मोस्ट रिलेटेड होंगे वो ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद सॉर्ट बाय अगर डेट करेंगे तो आपके पास ये अपडेट हो जाएगा, और ये लेटेस्ट पहले आ जाएंगे आर्टिकल्स वगैरह, बुक्स वगैरह, और जो ओल्ड होंगे पेटेंट्स ये सब कुछ नीचे चला जाएगा, मतलब डेट वाइज आप पे। लेकिन ज्यादातर हम सॉर्ट बाय रेलेवेंस करते हैं, क्योंकि ज्यादा रिलेटेड जो है चीज है वो आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं एडवांस सर्च, ठीक है, विद ऑल ऑफ द वर्ड्स, आप यहाँ पे अपना कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विद द एग्जैक्ट फ्रेज, मैंने एग्जैक्ट फ्रेज यूज की है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह इस ये जो वर्ड है टाइटल वगैरह में जो यूज हुआ हो तो इसके साथ आए, विद एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स, अगर आप यहाँ पे कोई लाइन लिखते हैं, ठीक है, या ऑप्टिमाइज्ड समथिंग आप लिखते हैं तो वो जो तीन चार वर्ड लिखेंगे उनमें से कोई भी एक वर्ड अगर इस तरह से आर्टिकल्स में होगा तो वो आपको हीट एक्सचेंजर के आर्टिकल्स उससे रिलेटेड दे देगा। विदाउट द वर्ड्स, आप कोई वर्ड एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन द आर्टिकल टाइटल आप करना चाहते हैं, एनी वेयर इन द आर्टिकल, ज्यादातर हम इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से करूँ, रिफाइन करना चाहता हूँ, तो ये देखिए आप 1.5 मिलियन से ये 65,000 तक पहुंच गया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से देखना चाहता हूँ लेटेस्ट, तो 2019 पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास 3,000 आर्टिकल्स, अगर इस साल के देखना चाहता हूँ तो 707 आर्टिकल्स टोटल हैं, या पेटेंट्स हैं या बुक्स हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, कि आपने ये एडवांस जो सर्च है इसको यूज करना है, सही है। बाकी आप इसको मजीद खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम यूज करते हैं जी साइंस डायरेक्ट, ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर हम साइंस डायरेक्ट में लिखते हैं,
यहाँ पे ये कीवर्ड है ऑथर नेम, मुझे अभी नहीं पता, अगर मुझे ऑथर नेम कोई पता है तो मैं यहाँ पे ऑथर नेम लिखूंगा। जर्नल या बुक से मैं सर्च करना चाहता हूँ स्पेसिफिक, तो वो मैं लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मैकेनिकल इधर लिखता हूँ तो कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम ये इस तरह से, ठीक है। आप अगर आपको कोई जर्नल स्पेसिफिक आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं या बुक स्पेसिफिक देखना चाहते हैं, आपको नाम याद है तो वो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे इश्यू वॉल्यूम कुछ याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको जर्नली फिलहाल सर्च करता हूँ सिर्फ एक कीवर्ड के साथ, तो मुझे इसने रिजल्ट्स कितने दिए हैं, मैं साइन इन नहीं करना चाहता, ठीक है। मुझे इसने 5 लाख के करीब या 5 लाख से ज्यादा रिजल्ट्स दिए हैं। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे जो जर्नल एक चीजें हैं, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी ऑथर का आर्टिकल लेना है और आपको याद है कि 2013 में वो पब्लिश हुआ था, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि वो किस जर्नल या किस चीज वगैरह में वो है पब्लिश हुआ है, तो आप 2013 पे यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। नीचे आपको कुछ ये दिए हुए हैं, रिव्यू आर्टिकल्स भी हैं इस पे, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स में आपको हो सके मेरे ख्याल है डिफरेंस जो है वो पता होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक जी रिसर्च आर्टिकल्स पे, ठीक है, या फिलहाल मैं रिव्यू आर्टिकल पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल्स आप स्टार्ट में अक्सर पढ़ लेते हैं। तो रिव्यू आर्टिकल पे मैंने इस तरह क्लिक किया और पब्लिकेशन टाइटल, ठीक है, ये आप इधर अक्सर जो है अप्लाइड एनर्जी, ये जर्नल्स जो हैं जहाँ पे ये पब्लिश हुए हुए हैं ये पेपर या आर्टिकल्स, तो उनका आ रहा है। मैं अगर अप्लाइड एनर्जी में जाऊँ तो ये मेरे पास अप्लाइड एनर्जी से रिलेटेड जितने रिजल्ट्स हैं ये आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है अब क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये अप्लाइड एनर्जी में इससे रिलेटेड ज़्यादातर आर्टिकल पब्लिश होते हैं या नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा, तो मुझे कोई खास आर्टिकल इससे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मैं बाकी भी कुछ ट्रिक्स लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एडवांस सर्च में जाऊँगा, उसके बाद मैंने टाइटल के अंदर लिखना है जी हीट एक्सचेंजर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई वर्ड आप जानते हैं मैकेनिकल, डिजाइन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, डेटा आर्टिकल्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं, कॉन्फ्रेंस रिव्यूज, इस तरह से, ठीक है। आप अपने जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो इनको यूज करते हुए आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मैं रिव्यू आर्टिकल्स पे सिर्फ क्लिक करता हूँ, तो अब ये मेरे पास देखें 7 रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। मैंने क्या यूज किया, टाइटल में मैकेनिकल डिजाइन किया है, और टाइटल में टाइटल एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड में मैकेनिकल डिजाइन किया, और टाइटल में हीट एक्सचेंजर किया है। तो आप देख सकते हैं ये टाइटल आ रहा है, ठीक है, टाइटल के अंदर क्या दे रहा है, हीट एक्सचेंजर, ये हाईलाइट कर रहा है हीट एक्सचेंजर, ठीक है, हीट एंड मास एक्सचेंजर, अब हीट एक्सचेंजर। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं रिफाइंड करके मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह आपने रिजल्ट्स को रिफाइंड करना है या कंडेंस करना है, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है या जो आप सोच रहे हैं जिनमें कि इतने एक पेपर या इस तरह के पेपर मुझे चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। नीचे अगर ये अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग में आप जाएं तो आपको ये नजर आ जाएंगे कि 3 आर्टिकल इसमें से हैं, एक इस जर्नल में है, न्यूक्लियर एनर्जी में एक है, हाइड्रोजन एनर्जी में एक है। तो इस तरीके से आप ये सारे यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस जर्नल के आप आर्टिकल देखें, तो ये 3 आर्टिकल हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे सर्च इंजन की तरफ जो है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक। तो इसमें मैं सर्च करता हूँ जी हीट एक्सचेंजर, ये ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि ये दो जो है अक्सर रिजल्ट्स आपको दे देते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहाँ से कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, ठीक है, हो सकता है कुछ जर्नल ऐसे हों जो लोकली पब्लिश हुए हों, तो हो सकता है इन दो में आपको ना मिले और तीसरे में मिल जाए, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी रेंज आ जाती है, टॉपिक है, ठीक है, हीट एक्सचेंजर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, हीट ट्रांसफर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ कि हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंजर इस तरह के जो आर्टिकल्स कंबाइंड हो वो मुझे मिले, तो ये इस तरह से कुछ आर्टिकल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑथर्स अगर हैं, ये टॉप लिस्टेड आर्टिकल जो ऑथर्स हैं जिनकी तरफ से ज्यादा पेपर पब्लिश हुए हैं इस टॉपिक पे, वो आपके पास आ रहे हैं,
फिर टॉप जर्नल्स आ रहे हैं। आप अगर वैसे देखना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड किस जर्नल में पेपर पब्लिश होता है, तो कीवर्ड यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आपको टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जर्नल्स दे देगा, 10 ऑथर्स दे देगा, इस तरह यहाँ पे 10 टॉपिक्स दे देगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स भी आपको दे देगा, हांगकांग की यूनिवर्सिटी है, कुछ चाइना की यूनिवर्सिटीज हैं, और डिफरेंट कंट्रीज जर्मन वगैरह, वो आपको सारे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आपने कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च कर लिया है, लेकिन अब आप यहाँ से करना चाहते हैं डाउनलोड एक आर्टिकल को, ठीक है। तो डाउनलोड करने का क्या तरीका, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये आप देखें, मैंने गूगल स्कॉलर से किया था सर्च, और मुझे अब ये ले जाएगा, कहाँ ले गया है ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया इसके टाइटल पे, तो ये मुझे ले गया है न्यूमेरिकल मोड, इस पे साइंस डायरेक्ट पे, ठीक है। लेकिन साइंस डायरेक्ट पे जाने से पहले मैं एक और आपको चीज बता दूं जो आपके काम आ सकती है, और वो बहुत ट्रिकी है। अगर आपने ईमेल अपना लॉगिन किया हुआ है गूगल स्कॉलर में, और यहाँ पे जीमेल भी आपने लॉगिन किया हुआ है, तो ये देखे स्टार बना हुआ है, इसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। सेव में जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो लाइब्रेरी है, ये देखें ये लाइब्रेरी होगी, हर मेरा जो एक या दो तीन जितने भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी किए हुए हैं साइन इन, अगर उनमें से एक आप सिलेक्ट करके डेफिनेटली यहाँ पे आए होंगे गूगल स्कॉलर पे, तो इसकी जो इस ईमेल से रिलेटेड के अगेंस्ट जो लाइब्रेरी मेरी बनेगी उसमें ये आर्टिकल सेव हो चुका होगा, ठीक है। तो ये आप सेव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप डाउनलोड नहीं कर सकते, या अभी आपने सिर्फ सर्च किया है कि ये 10 आर्टिकल्स हैं जो मैंने पढ़ने हैं, या मेरे रिलेटेड है ज्यादा, या मैंने फ्यूचर में इन पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप करें और सेव कर लें। इससे आसानी ये होगी, आपको दोबारा से वो सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी रिलेटेड आर्टिकल इससे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो इससे रिलेटेड 100 आर्टिकल से ज्यादा इसने मुझे दे दिए हैं, ठीक है। जितने भी आर्टिकल आप उससे रिलेटेड हैं, या उसको उसने साइट किया हुआ है, या किसी तरीके से भी उनका रिलेशन बढ़ता है, तो उसने हमें दे दिए। अब इन्हीं में से मैं एक डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये वाला आर्टिकल। अब मैंने इस आर्टिकल को खोला है, ओपन किया है, उसके टाइटल पे क्लिक किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से इस टाइट जो आर्टिकल का लाइक यूआरएल है, हर आर्टिकल का एक यूआरएल या डीओआई नंबर होता है, उस वो ओपन हुआ है, ठीक है। अब अगर तो मैं यूनिवर्सिटी से वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटियों में एक्सेस होती है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं घर से काम कर रहा हूँ, तो ये देखें अब ये मुझे कह रहा है कि चेक एक्सेस या परचेज, लाइक इधर मेरे पास ये एक्सेस नहीं है, तो मैं इसके ये डीओआई नंबर होता है, हर आर्टिकल का डिफरेंट डीओआई नंबर होगा, यहाँ से ये आगे, यहाँ से 10 से आगे ये चेंज होगा, और या हम यूआरएल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एस सी आई डैश हब में लिखूंगा .tw, ठीक है। ये वेबसाइट है, आप नोट कर लें, बुकमार्क कर लें, नोटबुक पे लिख लें, अपने जेहन में लिख लें, जो भी करें आप इसको सेव कर लें बहरहाल, ठीक है। ये मैंने इसका यूआरएल एक दफा कॉपी किया, मैं आपको दो तरीकों से दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये अब मुझे पीडीएफ डाउनलोड करने का कह रहा है, ठीक है। मैं अब इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा और मेरे पास आ जाएगी जी पीडीएफ फॉर्म इसकी। ये मैं अब आर्टिकल डाउनलोड कर चुका हूँ, अब मुझे पढ़ना है, प्रिंट लेना है, जो भी करना है, लाइक मैं अब इसके साथ आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। ये तो मैंने किया था यूआरएल कॉपी करके। अगर मैं डीओआई नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ तो कैसे होगा, यहाँ आया, पेस्ट किया, ठीक है, ओपन, और ये मेरे पास फिर से वही पीडीएफ वाला चक्कर आ रहा है, ठीक हो गया। आप दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि मैंने यहाँ से इसका ये कॉपी किया टाइटल, और मैं गया रिसर्च गेट, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे रिसर्चर्स प्रोफेसर ने अपनी प्रोफाइल बनाई होती है, ठीक है। लिंक्डइन भी आपने नाम सुना होगा, इसी तरह से रिसर्च गेट भी है। तो ये देखें आप, मैंने कईयों को फॉलो किया हुआ है अपनी फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स के लिए, तो ये प्रोफेसर्स या जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपलोड करते रहते हैं अपने आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। अब मैं यहाँ सर्च बॉक्स में आया, तो ये देखें मैंने इसको ऐसे सर्च किया, अब जो मेरे पास ये पहला आप देख सकते हैं, ये ऑथर्स के नाम सेम होंगे, ठीक है। तो ये जो पहला सर्च आया है या पहला आर्टिकल आया है, ये सेम है, ठीक है, वही जो ये 2021
16 में अगरचे पब्लिश हुआ, लेकिन ये देखें 2014 में एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, ये देखें 2014 का है, तो ये इससे मैं मैच कर सकता हूँ। तो इसको मैं अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करता हूँ आर्टिकल, या यहाँ से, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ फुल पेपर, ठीक है, तो मेरे पास इसलिए ये ऑप्शन थोड़ी सी हाईलाइट नहीं आ रही। आप यहाँ पे फुल टेक्स्ट, मैं किसी और पेपर पे भी आपको दिखा देता हूँ, क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन, ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी देखें ये ठीक होगा। ये मैंने क्योंकि प्रोफाइल बनाई हुई है अपने नाम के साथ, तो ये मेरा नाम वगैरह ऑलरेडी उसने लिख दिया हुआ है, और ये सारी चीजें उसने खुद से लिख दी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिख दें कि मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, या मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या मुझे क्यों चाहिए ये पेपर, ठीक है, तो हो सकता है जल्दी आपको पेपर मिल जाए। और यहाँ से आपने करना है सेंड पे प्रेस, ठीक है, मैं वैसे ट्राई के तौर पे कर देता हूँ। तो सेंड किया तो ये जो आथर है जिनकी ये प्रोफाइल है बनी हुई, या इनमें से ये प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, इनकी नहीं है प्रोफाइल, तो हो सकता है उनके पास ये आर्टिकल पड़ा हो पीडीएफ में, होगा तो लाजमी, लेकिन वो आप देना चाहते हैं कि नहीं उन पर डिपेंड करता है। तो आप, ये दूसरा मेथड है जिसके जरिए आप आर्टिकल हासिल कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, मैंने 2019 में कोई काफ़ी सारे पेपर्स जो है वो मैंने मंगवाए हैं इस प्रोफेसर से, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी डिफरेंट प्रोफेसर हैं, पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं, तो हर कंट्री के प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद है। मैंने उनसे जो मुझे पेपर चाहिए होता नहीं मिलता, तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे मिल जाता है अक्सर। दूसरी तरीका इस तरह से ये है, तीसरा बल्कि तो मैं आपको बता चुका, तीसरा तरीका ये है कि ये देखें, ये जो आइकॉन सा बना हुआ है एक बंदे का, और साथ ये ईमेल बॉक्स बना हुआ है, इस पे क्लिक करें तो ये ऑथर है, कोरस्पॉन्डिंग ऑथर है, इनकी ये ईमेल आईडी है, ठीक है। आप इनकी इस ईमेल आईडी पे एक ईमेल लिखें, अच्छा सा 3 से 4 लाइनों का, ये आर्टिकल है सर आपका, पब्लिश हुआ है इस जर्नल में, पब्लिश हुआ है 2016 में पब्लिश हुआ है, मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये ईमेल आईडी, इस पे आप ईमेल करें, अपना नाम पता सब कुछ लिखें कि मैं क्यों ये हासिल करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, एक्सेस नहीं है, तो वो इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रॉब्लम आती है कि आर्टिकल्स डाउनलोड नहीं होते, तो रीड आउट कैसे करें या सर्च कैसे करें, तो ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हुई है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी सारे टिप्स मिले होंगे, नई चीजें सीखने को मिली होंगी जो आपको पहले पता नहीं थी। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए थी जो फाइनल ईयर में है या एमएस कर रहे हैं अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, जो यहाँ पे रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो उनको तो ये चीजें पता चल जाती है वक्त के साथ, लेकिन जो हमारे कंट्रीज में बैठे हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें गाइड नहीं किया जाती, और लाइब्रेरीज में जाना पड़ता है, लाइब्रेरी में जाके भी आपको जी लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करो और इस तरीके से। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आप पेपर्स आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और फ्यूचर में भी आप इस तरह के इस चैनल पे सीखते रहेंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, हम आपको इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है एकेडमिक्स से रिलेटेड, या किसी भी तरीके से, या कहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो वो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल भी गिवन है, और उसके अलावा आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई किया जाए, और आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू।